And myself, Sweety, from GHS 54. हमने आज जो मॉडल बनाया है वो सिमेट्री को लेकर बनाया है. इसमें हम बच्चों को जो है रोटेशनल सिमेट्री के बारे में एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं. जैसे कि बच्चों को पता ही है कि जो हम एक्सप्लेन करते हैं रोटेशनल सिमेट्री, यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, रोटेशन प्लस सिमेट्री. तो यहाँ पर सिमेट्री क्या है? सिमेट्री मीन्स वो चीज जो कि सेम हो, सिमेट्री सेम पैटर्न में रखी हुई है. और रोटेशन यानी कि रोटेट करने पर हमें सेम सिमेट्री यानी कि सेम पैटर्न दोबारा से रिगेन हो. अब यहाँ पर हमने दियोज की हेल्प से डिग्री ऑफ रोटेशनल सिमेट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जैसे ही हम इसको एक पूरे फुल सर्कल में कम्प्लीटली रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं, तो हमें बच्चों से पूछना है कि कितनी बार आपने ऑब्जर्व किया कि जो दियो की जो शेप है आपको सेम मिली है. तो बच्चे फटाफट से बता देंगे 3 times. यानी कि यहाँ पर जो डिग्री ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो गई? 3. वहीं पर यहाँ पर एंगल ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन कहाँ है? कितने डिग्री पर आपने रोटेट किया जब आपको जो है सेम शेप जो है मिली है? तो बच्चे क्या करेंगे, सर्कल है, सर्कल एक कंप्लीट सर्कल को कंप्लीट करने में कितने डिग्री एंगल होता है? 360 degree. तो यहाँ पर 3 बार आपको ऑब्जर्व हुई है सेम शेप, यानी कि 360 divided by 3, 120. तो यानी कि 120 डिग्री पर हम जब रोटेट करेंगे तो हमें सेम शेप जो है मिल जाएगी. क्लियर? और इसी कंसेप्ट को हम बच्चा जो है दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कोरिलेट कर सकते हैं. जैसे कि बच्चा इस मॉडल के थ्रू डिग्री ऑफ रोटेशनल सिमेट्री तो समझ ही रहा है, साथ के साथ उसकी क्रिएटिविटी भी डेवलप हो रही है. आर्ट के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं. एंड सेकेंड, हम इस एक्टिविटी के थ्रू जो है बच्चों को कैपिलरी एक्शन के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं.